हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मिथिला ब्लॉग संगीता में आप लोग का स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ रेसिपी बनाने के लिए। इधर कुकर के गैस पर रख दिए हैं, पानी भी डाल दिया। इसमें आलू डाल दे रही हूँ। आलू देने के बाद अब इसमें मटर, हरा मटर के आलू और हरा मटर के सब्जी बनाएंगे। इसमें नमक थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। इसको ढक्कन लगा देते हैं, 3 सीटी तक पका लेते हैं आलू को और मटर को। हो चुका है, अब इधर कुकर गर्म हो चुका था, इसमें डाल दिए हैं तेल। तेल डालने के बाद इसमें थोड़ा तेजपत्ता डाल दिए हैं और सूखा मिर्च डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा और तेल लेंगे, थोड़ा कम बुझा रहा था। इसमें अब डालूंगी जीरा। जीरा डाल दिए हैं। इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। आधी लहसुन हरा मिर्च के पेस्ट बना के रखे थे वो डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर दे रही हूँ, धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ और इसमें मिर्ची पाउडर दे रही हूँ। इन चीज़ों को अच्छे से घोल बना लेते हैं। चम्मच से मिला लिए, इसमें डाल दे रही हूँ। वो अच्छे से मसाला के भूज लेते हैं। इसमें आलू डाल दे रही हूँ, चला देते हैं अच्छे से। इसमें जो मटर उबाले थे वो डाल दिए हैं, इसको भी चला देते हैं। अब इसमें डाल देंगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। उबला हुआ सब्जी है इसीलिए थोड़ा सा और दे रही हूँ, हो जाएगा। इसमें डाल दे रही हूँ अब नमक। नमक डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसको चला देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। 2 सीटी तक इसको पका लेते हैं। वो हो चुका है 2 सीटी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन के 100 घंटी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।